मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता और लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं योर ऑनर। 6 सालों तक फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने के बाद फाइनली इस फ्राइडे रिलीज हो रही है रणदीप हुडा और नंदना सेन की फिल्म रंग रसिया, जिससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स इन एक्टर्स ने हमारे साथ शेयर की जब ये आए थे जिंग और ZETC के स्टूडियोज में। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कुछ हाइलाइट्स। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं। अगर ये मूवी उस वक्त रिलीज होती तो शायद अपने टाइम से पहले होती, और अभी इसका आने के 3-4 और फायदे हैं। एक तो जो इसका सेंसुअलिटी फैक्टर है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है आज की तारीख में, जिसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है जिसम टू की वजह से। और अभी ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा वेरी हो गया है, उनको अलग चीज़ें और देखने का थोड़ा और शौक है, और आजकल फिल्में देखने लोग जाते हैं, वो बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। और मैं उस वक्त बहुत ही अननोन एक्टर था, शायद मेरे थोड़ी सी प्रसिद्धता बढ़ी है तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन देगी। रंग रसिया, 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 रंग रसिया। राजा रवि वर्मा के ऊपर ये बायोपिक है, उनके बारे में आप कितना जानते थे और इस फिल्म के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ी? जब मुझे केतन ने ये स्क्रिप्ट दी तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, तो मैं वापस केतन के पास गया और मैंने बोला लाइक एन इग्नोरेंट इडियट विच अ लॉट ऑफ पीपल आर, कि ये कौन है, ये आदमी कौन है, फिक्शनल है, असली है, कौन है? तो उन्होंने एक हंसते हंसते एक किताब निकाली, उसको खोला, दिखाया, कुछ चित्र उसमें थे, मैंने देखे, हाँ ये मैंने देखा है कहीं पे, ये कैलेंडर में देखा है। और जब वो सरस्वती और लक्ष्मी के पेज पे आए तो मैं बोला एकदम से, अरे ये तो हमारे घर में भी है, बचपन से हमारे घर में उन दो पेंटिंग्स उनके प्रिंट की पूजा करते आए हैं हम दिवाली को, और कितने करोड़ों जो राजा रवि वर्मा की। तब मुझे उनकी जब अचीवमेंट्स का पता चला कि मैं कहा यार ये तो सबसे हिंदुस्तान का पहला रॉक स्टार ही है, एक ऐसा आदमी जिसकी फैन मेल इतनी थी कि गवर्नमेंट ने उसको अलग से पोस्ट ऑफिस बना के दिया। यू कुड राइट राजा रवि वर्मा एंड पोस्ट अ लेटर इट रीच हिम, डोंट यू राइट एन एड्रेस, सो दैट काइंड ऑफ अ मैन। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग हिम, ऑफ कोर्स हिज आर्ट एंड पेंटिंग एंड एवरीथिंग, ही क्रिएटेड द गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। वो जो अछूत लोग थे जो मंदिर में नहीं जा सकते थे, उसकी पेंटिंग के आगे उनके घरों में पहुंच गई, भगवान की इमेजेस एंड दे कैन प्रे टू इट, सो ऑल दैट इज़ फाइन। बट ही वाज आल्सो द फर्स्ट फैशन डिजाइनर। जो साड़ी आज हम लोग नंदना मैडम पहन के आई हैं, ये हिंदुस्तान के गारमेंट नहीं था, अलग अलग जगहों में उसको अलग अलग नाम होते थे, और ये कपड़ा जो है इतनी लेंथ का वो अलग अलग तरीके से औरतें बांधती थी। उसको रवि वर्मा की जब पेंटिंग ऑल ओवर इंडिया लोगों ने, औरतों ने देखी तो उन्होंने वैसे वो बांधनी शुरू की। एंड इवन फिल्म्स, नाउ वी आर इन अ फिल्मी चैनल एंड वी टॉकिंग फिल्म्स, दादा साहेब फाल्के वाज हिज असिस्टेंट, एंड टिल दीज मिनी स्कर्ट्स एंड बिकिनीज केम इन, ऑल द फिल्म हीरोइंस फ्रॉम व्हाट दे वोर एंड टू द अदा टू द दिस, दे वर ऑल कॉपीड एंड इंस्पायर्ड बाय दिस मैन्स पेंटिंग। सो हिज इन्फ्लुएंस ऑन अस is so huge on our minds and our hearts, and nobody knows about it. It's the saddest thing. अनहद नाद जगा दे मेरे मन के चोर। नंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना मुश्किल था कपड़े उतार के सीन्स करना? It was not an easy decision for me to do at all. I took a lot of time thinking, not just thinking about it, but discussing it at length with my parents. And I also knew absolutely that
the what happens to Sugandha was central to the moral and political core of the film. Okay. And without this particular, it's just one scene, which is the scene that keeps being talked about. Without that, the film loses actually its backbone. This film, which is also a pioneering film in a lot of ways, including the fact that it's the first Hindi film of this kind with this sort of nudity that got passed by the censors without a cut. It's very ironic that this is a film in which I do not in any way feel objectified. And I would like to say that my body is as much a part of my being, of who I am, as my brain, as my voice, as my heart. And there's no reason for me to feel ashamed of expressing it with the dignity that it deserves. It was very brave of her to do it. Nervous? Us scene mein nervous kaun zyada tha? Aap ya aap? Nervous, obviously, she'd be. But I have to say, by the time I shot the scene, I actually wasn't. I was nervous before making the decision, and partly also because it was the men, and there were only three men in the room, the person who was shooting it, and Randeep and Ketan, and they were completely supportive and just made it extremely easy for me. I had fears about it, but I had conquered them by the time I shot the film. ये फिल्म के शूटिंग के दौरान जो घटनाएं घटी होगी या जो शूटिंग हुई, हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम अदर फिल्म? हर एक फिल्म की तरह जैसे आप करते हैं, क्योंकि ये पीरियड फिल्म थी, सिंग साउंड फिल्म थी, जो कि हिंदुस्तान में उस वक्त तो बनती नहीं थी, सो वो पीरियड का ख्याल रखना और एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे नागा बाबाओं के साथ चरस पी के चिलम पी के नाचना था, हाउ डू यू डांस of 1890s, what do you do? Start doing Bharatnatyam or what do you do? And he's off his head. So what do you do? So to find those things in terms of an interpretation which is 100 years ago and stuff like that were more the challenge. Otherwise, you know, once you start shooting it, once you get the part or whatever, then it is a small discussion and it becomes about call times and lunches and, you know, pack up.